करके नरेंद्र मोदी को देश का वो दूसरा प्रधानमंत्री बनाएगी जवाहरलाल नेहरू के बाद, जो अपना लगातार लीजिए पहली बड़ी खबर हमें मिलने लगी है। लोकसभा का पहला रुझान बीजेपी के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दो सीटों पर हमें ये रुझान, एक सीट पे माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त बना लिया। हालांकि मैं आपको बता दूं ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। अभी बिहार में भी एक सीट पर एनडीए आगे चल रही है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और अगले 20 से 25 मिनट बाद ईवीएम, जो कि हम आपको खुलने की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो हमें इस समय दो सीटों पर रुझान मिलने लगा है। पहला उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक सीट पर बढ़त बना ली है और हमें बिहार से भी देखिए सात रुझान आ चुके हैं। आपके कहते कहते सात रुझान आ चुके हैं, एक तो पहले से था, छह रुझान आ चुके हैं। 07 एनडीए के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 03, यानी कि 10 रुझान अब तक आ चुके हैं। 543 सीटों के 10 रुझान आपके सामने। मैंने कहा ना कि ये 11 बजे तक शोभना तस्वीर साफ हो जाएगी और 12 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और टैली से नजर मत हटाइएगा। देखिए ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। इस समय अगर मैं बात करूं तो एनडीए 7 सीटों पर आगे चल रहा है, इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे चल रहा है। और मैं फिर एक बार कहूंगी ये बहुत ही शुरुआती रुझान है लोकसभा के, जो हमें शुरुआती लीजिए 8 और 4 की ये टैली हो चुकी है। 8 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर चल रहा है। हमें बिहार और उत्तर प्रदेश से खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त बना ली है, एक सीट का जो रुझान मिल रहा है। बिहार में भी एनडीए ने वहां पर बढ़त बना ली। अनुराग, दो के खाते में भी फिगर गया है, देखिए अदर्स के खाते में दो, और कुल मिला के 543 में से 14 सीटों का रुझान। बिल्कुल, और आंकड़ा बहुत तेजी से बदल रहा है। 8-4 और अदर्स के खाते में भी दो सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है। 10-6 हो गया, 3 अदर्स के खाते में, 3 अदर्स के खाते में, 10-6 का आंकड़ा। कुल मिलाकर 19 सीटों का रुझान आपके सामने, 543 में से एनडीए की बढ़त बरकरार, 10 सीटों के साथ ये रुझान है अभी, और इंडिया गठबंधन 6 पर आगे। लेकिन ये मामला जो चल रहा है शोभना, आप देखिए 10 और 7 बहुत कम अंतर है अभी रुझानों के हिसाब से देखा जाए तो। ये अभी ना कोई खुशी मना सकता है और ना कोई ना किसी को इस आंकड़े को देखकर तकलीफ। देखिए गृहमंत्री अमित शाह आगे चल रहे हैं, इस समय की बड़ी खबर है। और जल्दी से मैं चंदन का रुख करना चाहूंगी जो कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, ब्रेकिंग न्यूज बताइए जल्दी से। बिल्कुल शोभना जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। एनडीए 14 सीटों पर आगे दिख रहा है, इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर और अन्य के खाते में 3 सीटें शुरुआती रुझान में जाती हुई दिख रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के 542 सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। प्रत्युष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रत्युष, वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी आगे हैं।